अभी इस ऐप को यूज़ करके बहुत सारा कैशबैक एंड बहुत सारा प्रोडक्ट फ्री में, या कुछ क्रेडिट कॉइन और कुछ अमाउंट देके आप बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बन, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नोवाला इन्फो। वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप ऐप को इंस्टॉल करिए और आपके क्रेडिट कार्ड के द्वारा ये जो यहाँ पे कॉइन शो हो रहा है, इस कॉइन को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 8,50,000 कॉइन यहाँ पे अवेलेबल है। इसको आप यूज़ करके आप बहुत सारा प्रोडक्ट शॉप कर सकते हैं। इसमें ऐप का जो मेन फीचर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिव्यू और मंथली स्पेंड, आपका कितना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है, कितना स्पेंड हो रहा है, कब आपका यहाँ पे पेमेंट करना है, ड्यू टाइम, मतलब सब कुछ यहाँ पे शो कर देता है। तो इसका जो मेन फ़ायदा है ना, कितना तारीख को आपका जो मेन ड्यू रहता है वो यहाँ पर शो हो जाता है। सॉरी। तो यहाँ पर जो मेन बात है, और बहुत सारा कैशबैक भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो और यहाँ पर कार्ड के द्वारा मैं यहाँ पर शो करता हूँ कार्ड सेक्शन में। तो कार्ड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 4 कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव है। 1, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे कितने तारीख को मेरा बिल बना हुआ है, कितने तारीख को मुझे पे करना है, ड्यू डेट कब है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे अभी 4 तारीख को मेरा ड्यू था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ड्यू कितना है, फेब्रुवरी में यहाँ पे देना है ड्यू, 4 तारीख को यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे कि नीचे वाला कार्ड में आप देख सकते हैं, तो मेरा जो ड्यू है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ड्यू 13,000 है, फेब्रुवरी 9 को यहाँ पे देना है। तो इस ऐप का जो और मेन खास बात है कि जो यहाँ पे मैं थंबनेल में भी आपने देखा है, बहुत सारा प्रोडक्ट आप फ्री में बात कर सकते हैं, वो पहले आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। शॉप सेक्शन में मैं जाता हूँ। शॉप सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए टुडे डील्स वगैरह जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो टुडे डील्स में यहाँ पे आप स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट शो हो जाता है। तो जैसे मैं फूड और बेवरेज वगैरह ज़्यादा ऑर्डर करता हूँ, तो यहाँ पे फूड सेक्शन में जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा बेवरेज आइटम अवेलेबल है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, यहाँ पे और भी बहुत सारा स्नैकिंग जो आइटम है वो आप खरीद सकते हैं, डेली एसेंशियल जो आइटम है वो भी आप खरीद सकते हैं, ब्रेकफास्ट का जो आइटम है वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट परचेस किया हूँ वो यहाँ पर शो कर पाता हूँ। पहले आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर बाई किया हूँ इस सेक्शन में जाने के बाद, ठीक है ना। तो इस सेक्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पर शो कर पाता हूँ कौन सा प्रोडक्ट मैंने बाई किया हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं मैं कौन सा प्रोडक्ट परचेस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी कार्ट सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्ट का सेक्शन, यानी जो भी प्रोडक्ट आप कार्ट करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और जो जो प्रोडक्ट आपने बाय करा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही लास्ट कितना तारीख को डिलीवर्ड ऑन 13 नवंबर, मतलब यानी लास्ट ईयर में मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस किया है। तो इसका जो ऑफर वगैरह था मैं आपको शो करवा के देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टार्टर सीटीसी स्पाइस जो है कम्बो 200 ग्राम करके मैंने परचेस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेड कॉइन जो है, यहाँ पे 2000 क्रेड कॉइन मेरा क्रेड अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, और एमआरपी जो था प्रोडक्ट का यहाँ पे 310 रुपीज़ था, और मुझे जो परचेस अमाउंट मिला है वो 93 रुपीज़ में। तो मेरा यहाँ पे टोटल कितना यहाँ पे मेरा यहाँ पे सेव हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 217 रुपीज़, ये था परचेस प्राइस, और ये था मेरा डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये मैंने ऑनलाइन परचेस करता तो ये 10-20% मुझे डिस्काउंट मिलता, लेकिन 93 में मैं कभी भी इसको परचेस नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे और भी देख सकते हैं मैं और भी कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बाय किया हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ना, मैं प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी मिला इसलिए मैंने दो बार यहाँ पे मैंने परचेस किया। ये एक था, दो मैंने परचेस कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कोई मसाला टीस वगैरह भी मैंने परचेस किया हूँ। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक फ़ोन का स्टैंड मैंने परचेस किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 रुपीज़ में। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में जाएंगे तो इसका 150 रुपीज़ चार्जेस आ जाएगा, उसके साथ इंक्लूडेड आपको मिल जाएगा शिपिंग चार्ज, जो डिलीवरी चार्ज जो भी हो। लेकिन इसमें जो भी प्रोडक्ट आपने परचेस करते हो ना, इसमें कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगता है। इस ऐप का मेन फीचर्स जो है, और यहाँ पर और भी बहुत सारा आइटम यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पीकर वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे भी बहुत सारा स्पीकर वगैरह यहाँ पे बोट का और बहुत सारा हैमर का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत सारा आइटम मिल जाएगा। यहाँ पे आप जा सकते हैं जैसे कि एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 174 में आपको यहाँ पे हेडफोन मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बेगा का जो हेयर ब्रश, मतलब यहाँ पे स्टाइलिश जो ड्रायर है वो 599 में आपको मिल जाएगा। बहुत सारा यहाँ पे आइटम मिल जाता है जो कि आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। और इसका और भी कुछ फीचर्स मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ।
जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मान के चलिए आपके पास 4-5 क्रेडिट कार्ड है, वो आपको मतलब इंस्टेंट आप पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप और क्या क्या चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी देखिए आपका अगर क्रेडिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड से आप हाउस रेंट दे सकते हैं, एजुकेशन फ़ी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं, और भी बहुत सारा है, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड बिल तो हो गया सब कुछ, ये तो ठीक है, मतलब मेन जो फीचर्स यहाँ पे आप ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेमेंट हिस्ट्री में दिखा देता हूँ मैं कितने सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। पेमेंट हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बिल का जो मैंने पेमेंट किया हूँ वो भी है, और रेंट जो ट्रांजेक्शन किया हूँ वो भी है, और यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ही मैंने यूज़ किया हूँ। तो पहले मैं क्रेडिट कार्ड बिल में जाता हूँ। क्रेडिट कार्ड बिल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी लास्ट मैंने 19 जनवरी को ये पेमेंट मैंने ट्रांजेक्शन किया हूँ, पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। उसके बाद ना और भी बहुत सारा मैं ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो करता हूँ। शो मोर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा ट्रांजेक्शन मैं कर चुका हूँ। तो ये ऐप जाना बिल्कुल मतलब सिक्योर्ड ऐप है, आप बिंदास इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेंट पे जो होता है ना, रेंट पे भी मैंने बहुत सारा किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी रेंट पे ट्रांजेक्शन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रेंट पे ट्रांजेक्शन में क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000, 10,000 यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजेक्शन मैंने कर चुका हूँ। शो मोर पे जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजेक्शन मैंने कर चुका हूँ। 13,000 हर महीना मैं करता हूँ, जो रेंट का है, मेरा ऑफिस का है, सब कुछ मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ, किस किस को पेमेंट किया सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। आपको बस क्या करना है, क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने यहाँ से पे करना है। पे करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे क्रेडिट का बैलेंस जो है वो ऐड होता रहेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे वाउचर भी आपको मिल जाते हैं, और कैशबैक तो है ही, हर एक ट्रांजेक्शन में आपको कैशबैक मिल जाता है। जैसे कि एक वाउचर मुझे मिला है और 7 दिन का एक्सपायरी डेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लिपकार्ट से 1,500 रुपीज़ का यहाँ पे कैशबैक मिला है। तो आप यहां से बहुत सारा फीचर्स यहां से आप ले सकते हैं क्रेडिट ऐप के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका लिंक जो है ना मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर इसको इस ऐप को यूज़ करके आपको लगे कि नहीं मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है, तब जाके आप इसको डाउनलोड करिए। और उसकी और एक खास बात जो है ना, यहाँ पे आप इसको रेफ़र करके बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि रेफर एंड अर्न सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे आप विन नाउ पे जाइए, यहाँ पे देखिए अगर मेरे रेफरल लिंक के द्वारा आपने ये ऐप को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 250 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, और मेरे को भी थोड़ा सा 250 या 500 रुपये के आसपास यहाँ पे मुझे कैशबैक मिल जाएगा। तो ऐप जो है ना बहुत सिक्योर एंड बहुत हाई क्वालिटी का है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।